एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके हद रोशनी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गैंगस्टर डल्ला के चार साथी गिरफ्तार, हथियार और फिरौती के 3 लाख रुपए बरामद। पुलिस ने जीरा में मेडिकल स्टोर मालिक के फिरौती वसूलने वाले गैंगस्टर अर्श डल्ला 7 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 3 कारतूस व कार भी मिली है। थाना महिला पुलिस ने मंगलवार को 6 गैंगस्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गैंगस्टर अर्श डल्ला ने मनप्रीत मली नाम में रहते हैं, वही से फिरौती के लिए व्हाट्सएप से कॉल कर धमकी देते थे। गिरफ्तार चारों बदमाश उनके कहने पर लोगों से फिरौती वसूलते थे। पुलिस के मुताबिक फिरोजपुर और मोगा के गैंगस्टर लोगों के फिरौती के लिए धमकाते थे। मुखबिर ने पुलिस को सूचना देते हुए गैंगस्टर अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला को मनप्रीत सिंह उर्फ पिंडा निवासी बिडुआ जिला फिरोजपुर, बलविंदर सिंह उर्फ लभा निवासी लल्हे जिला फिरोजपुर, गंज गुजरंत सिंह निवासी तलवंडी भाई गुरलल सिंह निवासी फरोके जिला फिरोजपुर व कमरदीप सिंह निवासी ITI चौक बरनाला के गिरोह बनाए गए हैं। ये लोग फिरौती वसूलते हैं। बलविंदर गुरजट गुरलाल व कमरदीप ने जीरा के मेडिकल स्टोर मालिक वीरेंद्र ग्रोवर के साथ 4,20,000 रुपये की वसूली की थी। ये चारों कार के बरनाला मांगो के रास्ते से जंगली की तरफ जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर उन्हें दबोच लिया था। लाइव शो में रवि ने सरगुन को किया था प्रपोज। सरगुन मेहता और उनके पति रवि दुबे की लव स्टोरी के कुछ चर्चे हैं। दोनों के पहली बार साल 2009 में टीवी शो सीरियल में 12-24 करोड़ लोग का दौरा मिला था। इस दौरान कौन जानता था कि यह रियल लाइफ में वह जोड़ा लाइफ भी बदल देगा। शो के दौरान दोनों ने एक दूसरे के करीब आए और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। एक इंटरव्यू के दौरान सरगुन ने बताया था कि उनको पहले नजर में ही रवि को सभी से प्यार हो गया था, लेकिन दोनों के एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था। शूटिंग के दौरान दोनों ने एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन उनके बीच लाइव आई लव यू का मैसेज नहीं हो पाया था। जब दोनों रिलेशनशिप में आए तो अन्य प्रेमियों की तरह रवि दुबे की सरगुन को कुछ गिफ्ट देना चाहते थे। इस दौरान रवि ने सरगुन को तोहफे में वॉशिंग मशीन दी थी। ये सुनने के बाद शायद आपको हंसी आएगी, लेकिन ये सच है। सरगुन मेहता ने इस बात का खुलासा किया था। काफ़ी वक्त तक एक दूसरे से डेट करने के बाद साल 2012 में रवि दुबे और दुबे ने नेशनल TV पर सरगुन मेहता को प्रपोज किया था। सरगुन और रवि के डांस रियलिटी शो नच बलिए सीजन 5 में पार्टिसिपेट किया था। वो शो के दौरान उन्होंने उनको प्रपोज किया था। प्रपोज करने के एक साल के अंदर 2013 में रवि और सरगुन की शादी के बंधन में बन गए थे। अब टीवी कपल की शादी में 9 साल पूरे हो गए हैं। परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर दिव्या भटनागर ने की थी शादी। दिव्या भी इन सेलेब्स में से एक थी जो कोरोना महामारी के चपेट में आ गई थी। इस खतरनाक वायरस के संक्रमित होने के बाद उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। बताया जाता है कि जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तब उनकी तबीयत बहुत गंभीर हो चुकी थी। एक्ट्रेस को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती थी और उनका ऑक्सीजन लेवल भी 71 तक पहुंच गया था। निमोनिया बढ़ जाने की वजह से उन्हें एक्ट्रेस ने 7 दिसंबर 2020 को इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा था। इनके निधन के बाद एक्ट्रेस की माँ ने उनके निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें बताई थी, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि दिव्या ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी, लेकिन उसे सच्चा प्यार नहीं मिल सका। एक्ट्रेस की मां ने बताया कि शादी के बाद एक छोटे मेक से घर में वह रहती थी। उनके प्यार की खातिर बहुत समझौते के लिए लेकिन करना पड़ा, लेकिन पति गगन गबरू ने उसे 1 साल में ही छोड़ दिया था। उसकी मां ने यह भी कहा था कि दिव्या के अलग होने के बाद उसके पति ने उसे एक बार फिर आकर नहीं देखा था। उसके बाद घरवालों ने दिव्या के पति से मारपीट के आरोप में लगाए गए थे और उनके बाद ही एक्ट्रेस का निधन भी हो गया था। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं। www.mnsnewstv.com पर
फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।